Hi everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sabhi ko pratha kalin namaskar. Good morning, everyone. Today is twenty second of October, two thousand twenty three. Day number two nine three. Kind words do not cost much, yet they accomplish much. Be kind whenever possible. It is always possible. Today we are going to talk about all these important topics in next about forty to forty five minutes of time. डिसीजंस, डिसीजन सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है और डिसीजन शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पास्ट डिसीज़न हमेशा फ्यूचर की अच्छी होप के अकॉर्डिंग लेना चाहिए योर डिसीजन शुड नॉट रिफ्लेक्ट योर फियर्स, दे शुड रिफ्लेक्ट योर ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन डोंट अलाउ टाइम टू स्लिप अवे इंस्टेड इफेक्टिवली टेक होल्ड ऑफ इट and so here is a reminder to grab life by the horns and direct it you cannot avoid it you have to face it to wherever you want it to go allowing serendipity along the way study full throttle this is daily quiz question number one caspian sea caspian sea is bordered by russia kazakhstan afghanistan azerbaijan russia kazakh uzbek yafir iran रशिया कजाक टर्क या फिर ईरान रशिया कजाक अफगानिस्तान या फिर ईरान यस रेंडिबिटी एक मूवी भी है सो कैस्पियन सी जो है कैस्पियन सी का बॉर्डर स्टेट्स क्या है आंसर ए बी सी डी जितने भी सीज हैं जितनी भी स्टेट्स हैं जितने भी ओशनस हैं बेज हैं गल्फ है इन सब के जो लिटरल कंट्रीज हैं इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए तो so, यहाँ पे इन पर्टिकुलर पूछा है कैस्पियन सी अगर हम कैस्पियन सी को देखें तो दिस इज़ कैस्पियन सी दिस इज़ कैस्पियन सी अब देखो कैस्पियन सी के इधर कजाकिस्तान है देन रशिया है अजरबैज़ान है ईरान है तुर्कमेनिस्तान है सो इसमें अफगानिस्तान नहीं होगा उज्बेकिस्तान भी नहीं होगा सो द राइट आंसर इज़ सी द राइट आंसर इज़ सी सो जितने भी सीज़ हैं जितनी भी वाटर बॉडीज़ है इनके बारे में हमें अच्छे से मैपिंग पता होना चाहिए बहुत फेवरेट एरिया है इससे बराबर क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर टू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग की डिसीजन सच एज अप्रूविंग द यू एन बजट अप्रूविंग द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटिंग इलेक्टिंग नॉन परमानेंट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेकिंग रिकमेंडेशन थ्रू रिजोल्यूशन एंड एनफोर्सिंग आपको बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है ये यूपीएससी का नया पैटर्न है इसमें इंस्टेड ऑफ वन टू वन टू थ्री यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन लाइक ओनली वन ओनली टू ऑल थ्री या नन तो हमें इस पैटर्न पे भी अच्छे से प्रोफिशेंसी होनी चाहिए अप्रूविंग दू एन बजट यस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जितने भी मेम्बर्स हैं यूनाइटेड नेशन के सब इंक्लूडेड होते हैं और वो बजट पास करते हैं अप्रूविंग द यू एन बजट यूनाइटेड नेशन में आज की डेट में कितने मेंबर्स हैं मेंबर कंट्रीज कितने हैं यूनाइटेड नेशन में ये सब मिलके यूनाइटेड नेशंस का बजट पास करते हैं अपॉइंटिंग द यूएन सेक्रेटरी जनरल हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इलेक्टिंग द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑन टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यस ये एक्चुअली नन की जगह ऑल फोर कर लेते हैं ऑल फोर कर लेते हैं ओनली थ्री एंड ऑल फोर कर लेते हैं ना पीडीएफ टीम से थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो उसको अपन टीचिंग टीम रियल मोमेंट पे करेक्ट कर लेती है उसे ओके सो द पॉइंट इज पे इसको इसको हम कर लेते हैं, आ, इसको कर लेते लेते हैं हैं ओनली अब ठीक है अर्चना और इसको कर लेते हैं ऑल फोर ओके अब सब बराबर है right, अब सब ठीक है सो ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री या फिर ऑल फोर सो वॉट इज द राइट आंसर ओवर हिस्टर वॉट इज द राइट आंसर सो फर्स्ट इज एप्सोल्यूटली ट्रू फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्यूटली ट्रू है सेकेंड स्टेटमेंट भी एब्सोल्यूटली ट्रू है थर्ड स्टेटमेंट इलेक्टिंग नॉन परमानेंट मेंबर्स टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये भी ट्रू है मेकिंग रिकमेंडेशन थ्रू रिजोल्यूशन एंड एनफोर्सिंग दोज रेजोल्यूशन इज नॉट दोनों इसमें ज्यादा यूएनएससी का आ जाता है दिस इज नॉट ट्रू फोर्थ इज नॉट ट्रू द राइट आंसर इज ओनली थ्री ओनली थ्री ओके क्वेश्चन नंबर फोर दिस इज सी ए आर टी सेल सी ए आर टी सेल

किसके लिए हेल्पफुल है यस वेरी गुड वेरी गुड सुमेधा दिस इज ट्यूबरक्यूलॉसिस एनी न्यू वेरियंट या फिर कैंसर अब इसका फुल फॉर्म भी बताइए दिस दिस इज इज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट क्वेश्चन नंबर फोर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोदावरी रिवर गोदावरी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर गोदावरी गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर इन पैनन इंडिया क्या ये सबसे बड़ी रिवर है पैनसोलर इंडिया की द गोदावरी रिवर राइजेस फ्रॉम त्रंबकेश्वर एंड ड्रेन इन टू अरेबियन सी तो ये साउथ की है तो ऑब्वियसली पैनसुला है थ्री साइड वॉटर पूर्ण इंद्रावती मूसी मजिरा मंजिरा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी रिवर तो एक होता है ट्रिब्यूटरी दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रिब्यूटरी मतलब चढ़ावा देना वहां पर वो पानी मेन रिवर को प्रोवाइड कर रही है डिस्ट्रीब्यूटरी जब वो सी के पास आती है तो पानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी तो गोदावरी क्या लार्जेस्ट रिवर इन है देखो ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो सही नहीं होता है ना सो so, गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर इन दुलर इंडिया यस एंटीजन रिसेप्टर वेरी गुड गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर इन पेनेसुलर इंडिया गोदावरी राइजेस फ्रॉम त्रंबकेश्वर यस एंड रेन्स इन टू अरेबियन सी नो पूर्णा इंद्रावती मूसी मजरा ट्रिब्यूटरीज है अब देखो पहले स्टेटमेंट में सेकेंड स्टेटमेंट में ये अरेबियन सी नहीं होगा दिस इज नॉट अरेबियन सी गोदावरी जा रही है दिस कृष्णा गोदावरी डेल्टा हम पढ़ते हैं दिस इज गोइंग बे ऑफ नॉट अरेबियन सी तो दिस इज रॉन्ग ये जो मूसी रिवर है दिस मूसी रिवर हैदराबाद दिस इज नॉट दिस इज नॉट गोदावरी दिस इज कृष्णा रिवर तो मूसी इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर मूसी इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी इट इज कृष्णा सो so, ये भी गलत ये भी गलत तो द राइट आंसर इज ए केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है सेकेंड और थर्ड इज रॉक इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं वृहद गंगा बैरिंग स्ट्रेट है बैरिंग स्ट्रेट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोविंग ओशियंस सीज पैसिफिक अटलांटिक आर्कटिक मेडिटेरेनियन स्ट्रेट क्या होता है ये नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है सो so, स्ट्रेट जो बैरिंग स्ट्रेट है ये किन दो सीज को कनेक्ट कर रहा है पैसेफिक अटलांटिक आर्टिक या फिर मेडिटरेनियन सी को सो वॉट इज द राइट आंसर द राइट आंसर है पैसेफिक दिस इज पैसेफिक जापान के ऊपर यहाँ पे पैसेफिक और इसके ऊपर होता है आर्टिक ओशन और इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है दिस बैरिंग स्ट्रेट सो दीज आर द फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे टेल स्कोर क्या रहा आज का ये टेलीग्राम क्विज है एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग फाइव सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन अवर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन और इन सवालों को डेली बेसिस में करना है स्पोर्ट्स गेम मोड में करना है रियल टाइम पे आपको इसका आंसर भी पता चल जाएगा और अपना रिलेटिव स्टैंडिंग भी पता चल जाएगी कि जैसे 65 परसेंट ने करेक्ट दिया है 15 ने इसको गलत दिया है 20 ने गलत दिया है सो दिस इज गुड जैसे इसमें देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया है यहाँ पे सब ने सही किया है ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलत किया है यहाँ पर भी सही किया तो इससे बिकॉज दिस कॉम्पिटिशन इज अ रिलेटिव एग्जामिनेशन बाकी सबके के comparison में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं यही बस मैटर करता है सो अवर आइडिया शुड बी टू कम इन टू दैट फोर्टीन थाउजेंड जिन चौदह हजार लोगों का प्रलम्स क्वालिफाई होगा हमें उसमें आना है दैट्स ऑल पेपर इजी है डिफिकल्ट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें टॉप के फोर्टीन थाउजेंड में आना है दैट्स ऑल ओके दिस इज इडियम दिस इज इंग्लिश इडियम्स वेदर के इडियम्स पढ़ते हैं वेदर और सीजन में क्या डिफरेंस होता है आंसर सो so, ये वेदर के इडियम्स है 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 अब ब्रीज ब्रीज मतलब वो बहुत आसान काम है। अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बड़े बड़े काम हो जाते हैं ये एग्जाम जो है इसका एक ही सीक्रेट है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ब्रीज एग्जाम आपके लिए ब्रीज होगा ब्रेक द आइस स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन कई बार हम आइस ब्रेकिंग नहीं होता है तो हमारा

Know which way the wind blows, ये बहुत जरूरी है हवा का रुख क्या है नो द एंड रिजल्ट ऑन क्लाउड नाइन बी है पोस्टपोन कर देना रेन ऑन समेत इन फ्रिंज ऑन सम्पीनेस नॉट कूल रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग राइट एज रेन फीलिंग वेरी वेल और फिट टूट द ब्रिज दिस इज चिट चैट स्केट ऑन थिट आइस डू सम रिस्की अभी जैसे कनाडा का जो स्टेटमेंट आया था तो हमारे एमईए का ही एक स्टेटमेंट था उन्होंने बोला था स्केटिंग ऑन थिन राइट थिन आइस ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में यही इडियम यूज किया था स्केट ऑन थिन आइस जब अभी कनाडा के जो स्टेटमेंट आए थे देन स्नोड अंडर मतलब हैविंग टू मच वर्क टू डू स्टील समवनस थंडर टेक क्रेडिट फॉर समवनस

ज़्यादा खुश नहीं होना है अभी इंटरव्यू भी है फिर फाइनल रिजल्ट भी है तो नेवर अपने गार्ड्स डाउन नहीं करना है आपको स्टडी कंटिन्यू रखनी चाहिए Under the weather, मतलब sick, when it rains, it posts, मतलब फील में हटा गीला होना so this is weather idioms. अब ये है तो देखो, भी बहुत आसान है ऑल इट नीड्स इट लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस तो ये सी सेट है अब इस पैराग्राफ को देखते हैं इकोलॉजिकल रिसर्च जब भी आप पढ़ाई करते हो ना हमेशा पेन हाथ में होना चाहिए पेंसिल हाथ में होना चाहिए और आप जब पढ़ रहे हो तो उसके नीचे से अंडरलाइन करते हुए पेन चलाते हुए पढ़ो आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा इकोलॉजिकल रिसर्च ओवर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी हैज एस्टेब्लिश द डिलीटीरियस इफेक्ट ऑफ हैबिटेड फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू माइनिंग हाईवेज एंड सच अदर इंक्रूजन ऑन फॉरेस्ट वेन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ फॉरेस्ट गेट फ्रेगमेंटेड इन टू स्मॉलर बेट्स the edge of all these bits come into contact with human activities resulting in the degradation of the entire forests continuity of forested landscapes and corridors gets disrupted affecting several extinction-prone species of wildlife Theke? habitat fragmentation is therefore considered as the most serious threat to biodiversity conservation ad hoc grants of forest lands to mining companies कपल विद रैम्पेंट इलीगल माइनिंग इज एग्रेवेटिंग दिस थ्रेट तो ये और सीरियस थ्रेट बनता जा रहा है सेंट्रल फोकस क्या है इस पूरे पैसेज का इलीगल माइनिंग इन फॉरेस्ट देखो यहाँ तो इलीगल माइनिंग लिखा हुआ है इलीगल माइनिंग हो रही है और ये बहुत डिफिकल्टी है तो ए हो जाएगा नो एक्सटिंकशन ऑफ वाइल्ड लाइफ देखो यहाँ पे लिखा है एक्सटिंगशन प्रोन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ है जो डिस्टरप्ट हो रही है नो कंजर्वेशन ऑफ नेचर एकोलॉजी है हमें कंजर्व करना है नेचर को ऑल द पार्ट हमें कंजर्व करना है डिसर ऑफ हैबिटेट तो बताइए इसमें से सेंट्रल थीम क्या है आपको एक से ज्यादा सही लग सकते हैं जैसे यहाँ पे देखो इलीगल माइनिंग है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी लिखा है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी लिखा हुआ है बट जो सेंट्रल थीम है पूरे पैसेज में जो बताने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है मतलब एक पॉकेट इधर एक पॉकेट इधर और बीच से निकल गया नेशनल हाईवे अब टाइगर को जाना है इस जगह से इस जगह पर और यहाँ से एक हाई स्पीड का व्हीकल आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाते हैं हैबिटेटेड फ्रेगमेंटेशन सो दिस इज डिसरप्शन ऑफ हैबिटेट दिस इज डिसरप्शन ऑफ हैबिटेट हैबिटेट लॉस होगा तो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ऑटोमेटिकली वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो कंजर्वेशन का पहला रूल होता है हैबिटेट का कंजर्वेशन सो डी इज द राइट आंसर दिस इज प्रिलिम्स वन कोर्स दिस इज अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक कोर्स यू केन ज्वाइन दिस कोर्स एस्पेक्ट हम इसको बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं सिस्टमैटिक क्लासेस है अभी सुबह दस से एक और शाम को आठ से दस क्लासेस होने वाली है और वीकेंड्स में हम बहुत अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिशियटिव भी अभी लेंगे सो यू केन ज्वाइन दिस कोर्स इसका न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है और इसमें वन लाइब्रेरी और वन टू वन भी इंक्लूडेड होगा इसमें मेंटोरशिप है और इसमें लाइब्रेरी के बड़े औसम awesome सेशन हो रहे हैं हमने लास्ट सेवन डेज में एनसीआर ऑफ इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है दिस इज एक्सट्रा ऑर्डिनरी इंडियन पॉलिटी की एनसीआर बुक्स दिस वे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ऐसे बहुत सारे अच्छे इनिशियेटिव इसमें करेंगे सो यू कैन ज्वाइन इट दिस कोर्स आपको काफी बेनिफिशियल होगा दिस इज सोशल मीडिया अपडेट वॉट आर सम पॉसिबल यूजेज ऑफ ए आई ए आई इज एवरीवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एवरीवेयर तो ये डब्ल्यू का टेम्पलेट है डब्ल्यू एच ओ बोलता है ए आई इज वेरी वेरी गुड ए आई के थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डिसीजेस को हम बहुत पहले जो डिसीजेज होने वाली है उनके अर्ली सिम्टम्स डिटेक्ट करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कर सकते हैं इंटरप्रेट कर सकते हैं एक्सरेज और एम आर आई एम आर आई का फुल फॉर्म क्या होता है एम आर आई दिस इज एक्सरे एंड दिस इज एम आर आई एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट्स को और पेशेंट्स को मेडिसिन टाइम पे लेना है उसके लिए भी हम हेल्प कर सकते हैं

कंसिडर ये आपका सारा डेटा कलेक्ट कर रही है आपका बायोलॉजिकल डेटा सारा इन डिवाइसेस के पास है सो so इसमें एक प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल कॉन्वर्जेशन एंड कन्वर्जेंस अराउंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमें खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए खुद से मेडिसिन सेल्फ मेडिसिन लेना इज नॉट अ गुड हैबिट हमें एम्फेसाइज करना चाहिए राइट एंटीबायोटिक जस्ट लाइक दैट एंटीबायोटिक्स का इज नॉट गुड राइट डोज और राइट right ड्यूरेशन बीच में एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक्स बंद भी नहीं करना चाहिए जितना पूरा डोज है सारा डोज लेना चाहिए सो दिस इज एम्फेसाइजिंग दिस डेंगू के लक्षण क्या है तेज बुखार सिर दर्द पीठ दर्द आंखों को घुमाने में दर्द त्वचा में चकत्ते पड़ना स्पॉट पैचेस हो जाना मसूड़ों नाक से खून आना तो डेंगू के रोकथाम एवं नियंत्रण में, में भागीदार बने डेंगू के कोई भी लक्षण हो तो ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए विच प्लेस इन इंडिया वॉज रिसेंटली जज्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज टूरिज्मीओ वर्ल्ड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन तो ये किस जगह का नाम है बताइए इसको अभी बेस्ट विलेज टूरिज्म विलेज टूरिज्मीओ ने यू एनडबूटीओ ने अनाउंस किया है क्या ये मॉलिंग है पिपली है या फिर दिस इज दिस इज चित्रकोटे या फिर दिस इज ढोडो यस yes, दिस इज धोडो और धोडो इज इन गुजरात ये स्वदेश दर्शन 2.0 है गंगटोक सिक्किम देखो इन सब चीजों में ना इंटरेस्ट डेवलप करिए हमको हम इतनी सारी जगह घूम नहीं सकते इतना पैसा नहीं है इतना टाइम नहीं है बट एटलीस्ट फोटोज तो देख सकते हैं ना उसको गूगल में देखो आप उसके वीडियोस देखो तो आपको जानकारी होगी सो जैसे ये स्वदेश दर्शन 2.0 है गंगटोक सिक्किम तो ये गंगटोक सिक्किम है तो ऐसे ना चीजों को देखो अभी प्रायोरिटी आपकी स्टडीज है आपको आई एम नॉट सेइंग सी गो एंड ट्रेवल एवरीथिंग नो अभी आपकी प्रायोरिटी स्टडीज है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बट जब टाइम मिलता है तो एक कल्चर डेवलप करे कि अच्छा हम नई चीज़ देखते हैं अभी अभी सब लोग सिक्किम को एक्सप्लोर करना क्लास के बाद और सिक्किम के ब्यूटिफुल प्लेसेस देखना सिक्किम के टूरिज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट है फोटोज और वीडियोज तो हम देख सकते हैं ना एटलीस्ट तो डू इट गंगटोक रोप एंड सिटी है टी गार्डन Mon और ये है अपना सिक्किम तो सिक्किम का तो दिस इज तो सिक्किम सिक्किम इ वेरी ब्यूटिफुल स्टेट देन सिमिलरली ये तमिलनाडु है तमिलनाडु है दिस इज ममलापुरम ममलापुरम ये शोर टेम्पल है तो देखो इसका फोटो देखो गूगल का एक ऐप आता है गूगल स्ट्रीट है आई थिंक ये गूगल अर्थ के अंदर ही आता है गूगल स्ट्रीट उसमें आप देखो तो आपको थ्री व्यू दिखाता है थ्री व्यू आप किसी भी स्पॉट पे जाओगे तो थ्री व्यू आपको पूरा लोकेशन एटसेट्रा बहुत अच्छे से दिखाता है तो यूज दैट टेक्नोलॉजी दिस इज शोर टेम्पल दिस इज डेसेंट ऑफ गंगा दिस इज ममलापुरम बीच और ये है तमिलनाडु के ममलापुरम प्रम्स में ये भी सवाल आया है ये है कोणार्क मंदिर अब इस कोणार्क मंदिर की वेबसाइट पर जाइए देखिए कोणार्क मंदिर कितना ब्यूटीफुल है ये कहां पर है बिहार में है राजस्थान में गुजरात में उड़ीसा यहाँ पे टेंपल आर्किटेक्चर को भी देखिए टेंपल किस स्टाइल का आर्किटेक्चर है कौन से स्टोन्स बनाए हुए तो ये जो फर्स्ट हैंड आप चीजों को देखोगे ना ये ज्यादा यूजफुल रहेगा आपको यूपीएससी प्रलिम्स जैसे एग्जाम में तो डेवलप दिस कल्चर डेवलप दिस इंटरेस्ट कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है ओके ये रूरल टूरिज्म है ये भी बहुत ब्यूटीफुल है रूरल टूरिज्म अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या आप जानते हैं अशफाक उल्लाह खान साहब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये था एच आर एच आर ए में एक एस एड हुआ था वो किन्ों ऐड किया था हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया था ये देन ये है विथ सेंटर वॉज चंद्रयान थ्री लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर अभी रिसेंटली विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लिक्विड प्रपोलशन सिस्टम सेंटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आप डॉक्टर एस के सिन्हा साहब हैं रिमेंबरिंग फ्रीडम फाइटर आपको बिहार केसरी बोला जाता है आपकी बर्थ एनिवर्सरी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपने पार्टिसिपेट किया नमक सत्याग्रह गढ़पुरा में भी ओके सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट अब हम क्विकली द हिंदू न्यूज़पेपर देखते हैं सो so, इस वन आवर ऑफ टाइम को हमें बहुत ब्यूटिफुली एवरी डे बेसिस में यूटिलाइज करना है हम थ्री सिक्सटी डिग्री ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जाम को इस एक घंटे में कवर करेंगे दिस इज संडे अक्टूबर ट्वेंटी सेकेंड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री द हिंदू एडिशन गगन यान टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल तो दिस इज गगन यान मैन मिशन है ह्यूमन बींग्स इंडियन ह्यूमन बींग्स को हम अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं Recouping from setbacks, it stimulates an स्टिमुलेट्स situation to demonstrate a crew escape system. Actually, क्या होता है केवल मशीन को भेजना आसान है जैसे ड्रोन्स को ऑपरेट करना बहुत ईजी होता है ड्रोन्स को बनाना भी ईजी होता है बिकॉज इसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व नहीं है ड्रोन्स अटैक भी हो गए तो हम कोई बात नहीं दूसरा बना लेंगे ड्रोन बट अगर उसमें ह्यूमन बींग है तो दूसरा ह्यूमन बींग नहीं आ सकता सो द पॉइंट इज कि उसमें हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना पड़ता है एक्स्ट्रा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं और स्ट्रिक्ट वे में हमको वहाँ पे टेस्टिंग करनी पड़ती है तो इन केस अगर गगनयान में कोई डिफिकल्टी आती है तो इसमें अबॉर्ड सिचुएशन भी है क्रू एस्केप सिस्टम भी है नेवी रिकवर्स क्रू मॉडल फ्रॉम बे ऑफ बेंगाल तो अभी इसका टेस्ट हुआ आई ने सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया गगनयान मिशन सब स्मूथली होगा सक्सेस होने वाला है ये मिशन और इसमें रीस्केड्यूल किया कि अगर बैड वेदर है टेम्परि डिले हुआ हमने अच्छे से इसको टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन वन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया सो दिस इज वेरी नाइस तो जस्ट फाइव सेकेंड ऐसा हुआ इंजन बट नॉर्मिनली ऐसा होता नहीं है डिले हुआ था तो अभी ये सब एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं लेटेस्ट वेट ये अभी बहुत जल्दी गगनयान वन को हम सक्सेसफुली लॉन्च करेंगे और ये है सतीश दवन स्पेस सेंटर से। में में अभी 2024 के पोल्स होने वाले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है पीस एंड स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं होती है सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होती है रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती है तो इसके जो रिपल इफेक्ट है जो डिफिकल्टीज पाकिस्तान में होती है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट होता है और फिर ऑल टाइप ऑफ टेररिज्म अदर टाइप ऑफ थ्रेट नेबर कंट्रीज को फेस करना पड़ता है सो दैट इज वाई इट इज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड की यहाँ पे नॉर्मेलिसी और स्टेबिलिटी होना चाहिए देन दिस इज ट्रग्स कैरिंग एड एंटर गाजा फ्रॉम इजिप्ट तो दिस इज ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पर राफा बॉर्डर पे कॉन्वॉय ऑफ दिस ह्यूमैनिटेरियन एड क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है दिस इज एन जी टी पुल्स ऑफ पंजाब bad ओवर बैड एयर वॉयन ऑफ ग्रैप नॉर्म्स ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ये क्या होता है इसका मतलब है जितना सीवियर थ्रेट है उसके अकॉर्डिंग हम रेस्पॉन्स लेंगे पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे अब इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं ये जो स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं दे आर वेरी वेरी यूजफुलर पॉइंट आप हर जगह इन्हें लिख सकते हो तो दिस इज कलर कोडेड प्लान अब जैसे येलो है येलो का मतलब है जैसे पॉजिटिविटी रेट दिस एंड यस वन सेकेंड दिस इज जी आर ए पी दिस इज ये बैड एयर है दिस इज ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान अब देखिए अगर येल्लो है अगर येल्लो है मतलब एयर पॉल्यूशन होने लग गया बिकॉज दिल्ली वी नो अभी विंटर्स आते ही चोक चैम्बर हो जाएगा तो मोडरेट टू पुअर क्वालिटी एयर है तो स्टॉप गार्बेज बर्निंग

पार्किंग फी को तीन से चार गुना बढ़ा दो मतलब आप अपनी गाड़ी घर पे रखो उसको सड़क पे मत उतारो क्योंकि पॉल्यूशन होता है इंक्रीज बस एंड मेट्रो सर्विसेज स्टॉप यूज ऑफ कोल फायरवुड इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट तो जो मतलब तंदूरी जो होता है वो सब बंद हो जाएगा आर डब्ल्यू ए रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है ये इलेक्ट्रिक हीटर यूज करें उनको कोयला जलाने से मन मना करे बॉन्ड फायर नहीं होगा मीडिया में अलर्ट्स एंड एडवाइजरी करो तो जब वेरी पुअर है तो ये पांच छह चीज हमने लानी है जब सीवियर हो गया है मतलब अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है तो क्लोज हॉट मिक्स प्लांट स्टोन क्रशर्स जो रोड बनाते हैं तो गर्म मिक्स प्लांट होता है उसको बंद कर दो स्टोन क्रशर्स होते हैं पत्थरों को तोड़ के दिस पेबल्स छोटे स्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं इनको बंद करो बिकॉज इससे डस्ट बहुत आती है शट डाउन करो दिस बदरपुर पावर प्लांट को मैक्सिमम जनरेशन नेचुरल गैस से होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाओ क्लीनिंग और वाटर को स्प्रे करो ताकि डस्ट नीचे सेटल हो जाए और जब बहुत ही पान, बहुत ही हवा खराब हो गई है तो सारे डीजल व्हीकल्स को हम बंद कर देते हैं ट्रक्स की एंट्री बंद कर देते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर देते हैं और इवन स्कीम आ जाती है और एक टास्क फोर्स बन जाती है सो दिस इज ग्रेडेड मतलब जितना पॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आपका रेस्पॉन्स है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ये बहुत अच्छे पॉइंट है इनको टिप्स पे याद रखना है हमें यस मास्क इज आल्सो रियली रियली गुड ये हमें बहुत सारा नॉट ओनली फॉर कोविड बट अदर पोल्यूशन से भी बचाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर करते हैं तो आप मास्क लगा सकते हैं दिस इज रियली रियली यूजफुल अ ड्रेडफुल रिटर्न फ्लाइट फॉर इंडियन पायलट ओवरसीज तो कोविड नाइनटीन के बाद जो जो इंडियन पायलट है फॉरन से यहाँ पे आए उनके रजिस्ट्रेशन में डिले हो रहा है दिस इज द थिंग अब देखो दब इज दिस ये जी पी स्टेज दिसन है और इस मशीन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं इस मशीन के थ्रू हम वाटर स्प्रे कर रहे हैं तो वाटर क्या करेगा सारे डस्ट को नीचे सेटल कर देगा तो स्प्रिंकलिंग वाटर्स ऑन रोड्स यूजिंग एंटी स्मोक गन तो ये अक्टूबर सिक्स में ये बात चालू हो गई है सेंट्रल दिस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के थ्रू हम ये सारा जी आर ए पी के कर रहे हैं एक पी यू सी सर्टिफिकेट भी हम मैंडेटरी करते हैं अब एक और अच्छा पॉइंट है वो है अर्बन फार्मिंग अर्बन फार्मिंग यहाँ पे हम करें इससे सिटी में ग्रीन कवर बढ़ेगा इसके अलावा फॉरेस्ट रीडेवलपमेंट भी करें बिकॉज ट्रीज जो होते हैं वो नेचुरली प्योरीफाई करते हैं एयर को दिस इज गुड ऑल राइट यस सो दिस इज सिटी विंटर हूज हुईट सो दिस इज दिस अब आर्मी का प्रोजेक्ट है उद्भव ये भी बहुत अच्छी चीज है दिस इज आर्मी प्रोजेक्ट उद्भव टू टैप इंडिजिनस मिलिट्री नॉलेज देखो इंडिया कभी भी वॉर लविंग कंट्री नहीं है बट वॉरफेयर में हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सो द पॉइंट इज वॉर एक आर्ट होता है एक वो चाइनीज फिलोसोफर का एक बुक है ना आर्ट ऑफ वॉर तो वॉर भी जो होता है ये एक काइंड ऑफ लाइक स्ट्रैटेजी से लड़ा जाता है और इसमें जो हमारी इंडिजिनस स्ट्रेटेजीज है ये भी बड़ी ऑसम awesome है द नीड इज टू टैप दीज स्ट्रैटीज तो आर्मी का प्रोजेक्ट है उद्भव टू टैप इंडिजिनस मिलिट्री नॉलेज तो इसमें क्या है हमें एंशंट विजडम को करना है मॉडर्न मिलिट्री पैडागॉगी को अकॉर्डिंगली जैसे आप फौज में भी जाते हो ऐसा नहीं है कि मिलिट्री का मतलब हमेशा फाइटिंग मिलिट्री स्कूल्स होते हैं द द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स इज एज इंपॉर्टेंट इसमें इतनी ही पढ़ाई करनी पड़ती है जितना किसी लॉयर या डॉक्टर या इंजीनियर या सम अदर पर्सन को करना पड़ेगा इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं स्कूल्स होते हैं वॉर स्कूल्स होते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं कि वॉर जैसे अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि यूक्रेन वॉर कैसा हुआ इसराइल अभी किस तरीके से अपनी फौज को वर्कआउट करा रहा है या फिर वॉर कैसे जा रहा है वी वेरी डिलीजेंटली स्टडी ऑल दीज थिंग्स तो ये मॉडर्न मिलिट्री पैटागॉगी है एंशियन विजडम को भी हमें रोपन करना है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना है वर्कशॉप्स होगा सेमिनार्स होगा और इन थ्योरीज को हम स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में इंक्लूड करेंगे सो ये है प्रोजेक्ट उद्भव एंशियन स्ट्रैटेजिक अक्यूमन जो है उसको हमें रोपन करना है इंडिजिनस स्ट्रैटेजिक वोकैबुलरी होगी फिलोसफी एंड कल्चर ये सब प्रोजेक्ट उद्भव डिफेंस मिनिस्ट्री लेके आएगी तो इसमें बात क्या होगी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की होगी इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च होगा वर्कशॉप होगी लीडरशिप सेमिनार्स होंगे हम इसमें बात करेंगे वॉरफेयर स्टेट क्राफ्ट डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग कैसे बेहतर की जाए अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे इंडियन में अर्थशास्त्र है अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने तो अर्थशास्त्र में भी शासन कैसे होता है इकोनॉमी एंड स्टेट को कैसे रन करना चाहिए इन सब से हम लेसन सीखेंगे एक नीति शास्त्र है नीति शास्त्र लिखा है कमान दाकी जी ने और महाभारत है महाभारत इज ऑल्सो जो एपिक है महाभारत उसमें भी वॉरफेयर है तो इन सब से हम वॉरफेयर टैक्टिक्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो इंडियन कल्चर में ये वैल्यूएबल लेसन है वी नीड टू टैप दीज लेस स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कल्चर करे इवोल्यूशन इंडियन सिस्टम का करे थॉट्स एजुकेशन लीडरशिप कमांडर लीडरशिप टीचिंग क्लासिकल टेक्स्ट नॉलेज Dissemination, studies, we are going to do all these things. Then इसको holistic way में digitization भी करना है मिलिट्री हेरिटेज एजुकेशन सिक्योरिटी फोर्सेज आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है लार्ज बॉडी ऑफ इंटेलेक्चुअल टेक्स्ट होगा जैसे हमारे पास पांच हजार साल पुरानी ओल्ड सिविलाइजेशन है इस सारी सिविलाइजेशन के लेसन को हमें incorporate करना है सो दिस इज थिंग एंड जैसे थिरुकुरल है What इज थिरुकुरल थिरुकुरल एक क्लासिक तमिल टेक्स्ट है जिसको ऑथर किया था तिरुवल्लुवर तिरु तिरु ने थिरुकुरल द्थरुवर इसमें तो देखो वी आर अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी वी आर नॉट अ मिलिशिया वी आर नॉट एनी अदर ग्रुप वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी तो प्रोफेशनल आर्मी वॉर भी करती है तो वो भी प्रोफेशनली करती है और उसमें भी एथिक्स वैल्यू सिस्टम इंक्लूड होता है सो दिस अलाइंस विद मॉडर्न मिलिट्री कोड्स ऑफ एथिक्स ऑफ जस्ट वॉर

तो कश्मीर में ये रेयर आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में बाय डोगरा हिंदू किंग्स बिटवीन 1846 टू 1947 फोर्टी यहाँ श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अभी वर्क चल रहा है और इसमें इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इन टच इन्होंने वर्नाक्यूलर एलिमेंट्स एंड आर्किटेक्चर पे बात किया है हम रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं और ये ब्रिक वर्क और जो फाइन आर्किटेक्चर का इसका स्टाइल है उसको हम वापस रीबूट करेंगे यहाँ पे बटरफ्लाई मेक्स अ रेयर कॉल इन हिमाचल तो दिस इज बटरफ्लाई ये पेंट ब्रश स्विफ्ट इज रेयरली फाउंड इन द स्टेट 25 परसेंट ऑफ बटरफ्लाई स्पीशीज फाउंड इन इंडिया तो ये वाइल्ड भाटियाट प्रोजेक्ट 2002 में 2022 में इसको डॉक्यूमेंट किया है तो अगर बटरफ्लाईज दिख रही है बर्ड्स दिख रही है इंसेक्ट्स दिख रहे हैं इसका मतलब इकोलॉजी इज गुड अगर बटरफ्लाईज नहीं है बीज नहीं है इंसेक्ट्स नहीं है तो इकोलॉजी इज इन पुअर कंडीशन और अगर सारे ये इंसेक्ट्स बीज बटरफ्लाइज एक्सेट्रा अगर लाइक uh, आउट like हो जाएंगे तो पॉसिबली हम भी वाइप्ड आउट हो जाएंगे ब्रिटेन क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज एंड फ्यूचर कॉप ट्वेंटी एट होने वाला है अभी कॉप ट्वेंटी एट देन चाइनीज एंड लीडिंग चाइना इनिशिएटिव दिस इज वॉर इजराइल और हमास एवियन इन्फ्लुजा वायरस अंडर गो मेजर इवोल्यूशनरी चेंजेस वायरस क्या होता है वायरस डेड भी होता है तो बिकॉज ऑफ लिविंग थिंग वायरस इवॉल्व होता है जैसे हमने कोविड नाइनटीन पे तो हम एक्सपर्ट ही बन गए थे वायरस में हमने बहुत सारे म्यूटेशन पढ़े थे तो वॉट इज म्यूटेशन म्यूटेशन मतलब वायरस इवॉल्व हो गया है पहले डेल्टा था फिर वो ओमिक्रॉन हो गया तो दिस इज म्यूटेशन वेरियंट्स ऑफ वायरस सो so, ऐसे ही एवियन इन्फ्लुएंजा में भी वायरस क्या है दिस एच फाइव इन्फ्लुएंजा वायरस है ये भी इवॉल्व होता है तो हाईली पैथोजेनिक एवियन पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है हाईली पैथोजेनिक एवियन एच फाइव एन वाइन एन वन वायरस एक्टिविटी है तो ये हाईली पैथोजेनिक है एवियन है एवियन तो जैसे ये कोरोना भी था ये भी एक फैमिली रहती है ये बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करती है ये सच टाइप ऑफ वायरसेस अटैक करते हैं हाईली पैथोजेनिक एवियन है एच फाइव एन वन वायरस एक्टिविटी है तो अभी क्या फिर से इसमें लाइक इंक्रीजिंग नंबर हो रहा है वाइल्ड बर्ड्स एंड पोल्ट्री में इसको केसेस दिख रहे हैं कई बार जूनोसिस हो जाता है मतलब पोल्ट्री से ये जंप करके ह्यूमन बींग्स में आ जाता है तो अक्सर आप देखना जब भी एच फाइव एन वन का आउटब्रेक होता है हम सारी पोल्ट्री को कल करते हैं सी यू डबल एल कलिंग बोलते हैं इसे कल करते हैं तो अगेन इसमें ये कंट्री फिर कॉमन है यहाँ पे सो दिस इमर्ज इन दिस 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 इन 1996 और इसका जो है this, तो this H5N1. H5N1 है वाइल्ड बर्ड्स तो इज इसके है एवियन इन्फ्लुजा है एशिया में इसको देखने को मिला था और दिस इज इसका इवोल्यूशनरी टेक्टिक्स दिस इज पीरियोडल पीरियोडिकल सिकाडा इमरजेंस फूड वेब्स सो ये है इमरजेंस जैसे कुछ टाइम पहले इंडिया में दो इक्कीस की बात है टिड्डो का अटैक हुआ था टिड्डे दिस साउथ अफ्रीका हॉर्न से हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आए थे देन दिस अरेबिया पाकिस्तान होते हुए इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे इनका अटैक हुआ था सो द पॉइंट इज ये प्रोपोगेट करते हैं जैसे फूड चेन है ये कैटर पिलर है कैटर पिलर फीज मोर द लीव ऑफ ऑक्सलिंग डबलिंग इंसेक्ट लीव डैमेजेस यस लॉकुस्ट अटैक हुआ था लॉकुस्ट अटैक हुआ था तो अभी ये इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स है हैव एक्चुअली क्या होता है नेचर इज वेरी वेरी बैलेंस्ड नेचर इज जीनियस जो पूरा एनवायरनमेंट और अपना अर्थ जिस तरीके से वर्क कर रहा है इट्स अ वर्क ऑफ जीनियस इसमें सब स्पीशीज का वैल्यू है रिडेटर्स का भी वैल्यू है और जैसे हम फूड वेब पढ़ते हैं फूड चेन पढ़ते हैं तो हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलरली वेल डिफाइंड रोल होता है जैसे हम नीश बोलते हैं नीश होता है सो so, अगर ये गड़बड़ होता है डिस्टरप्शन आता है इसमें जैसे स्नेक्स नहीं है तो रैट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे रैट्स होंगे तो और डिफिकल्टी हो जाएगी तो हर स्पीशीज का एक वर्क होता है एक ड्यूटी होती है देन दिस इज एग्रीकल्चरल लैंडस्केप ए नेस्ट सक्सेस ऑफ बर्ड्स तो बर्ड्स भी कम हो रही हैं बिकॉज ट्रीज कम हो रहे हैं एग्रीकल्चर ज्यादा है ट्रीज कम हो रहे हैं द फाइंडिंग शो दैट फ्यूचर वार्मिंग में एग्जर्बेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हैबिटेट कन्वर्जेशन ऑन बर्ड फिटनेस डोमिनेटेड कंजर्वेशन स्पीसीज ऑफ कंजर्वेशन में ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप एक बहुत बड़ा थ्रेट है तो हमें शहर बन रहे तो जंगल और पेड़ कम हो रहे हैं अब ब्राइट फास्ट रेडियो बर्स्ट प्रो देंट यूनिवर्स यूनिवर्स इज ह्यूज तो अक्सर हमें ऐसे रेडियो सिग्नल्स मिलते हैं एलियन लाइफ एटसेट्रा लेटेस्ट थी मार्स जो प्लानट है इसमें भी क्वैक्स हैं क्वैक्स मतलब यहाँ पे क्या होगा मार्स क्वेक बोलेंगे जैसे हम बोलते हैं अर्थ क्वैक मतलब अर्थ में भूकंप आया अर्थ में तो ये हो जाएगा मार्स क्वेक मार्स में दिस भूकंप टाइप एक्टिविटी हुआ तो यहाँ पे भी सेसेमिक सिग्नल्स देखे हैं और मार्स में भी ये देखने को मिला है दिस इज ऑल फोर क्वेक्स वर इन द सेम फॉल्ट सिस्टम जो कल हमने न्यूज पढ़ा था उसी का कॉन्टीब्यूशन है अफगानिस्तान तो ये जो जोन है अभी कुछ दिन पहले एक प्रडिक्शन भी हुआ था कि जैसे जो फर्स्ट अर्थ क्वैक आया था वो आया था दिस टर्की वाले रीजन में टर्की अंकारा में अभी जो अर्थक्वेक सीवियर अर्थक्वेक आया था फिर नेक्स्ट जो फॉल्ट था वो प्रिडिक्ट किया गया था इस अफगानिस्तान वाले अफगानिस्तान पाकिस्तान वेस्टर्न इंडिया इस वाले जोन पे आने का प्रोबेबिलिटी है तो ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स में ये स्ट्रेस जब रिलीज होता है तो एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है और उससे वाइब्रेशंस बनते हैं सेसमिक एक्टिविटीज होती है और उसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं तो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अबाउट अ वीक 40 किलोमीटर फ्रॉम हैरात अफगानिस्तान में शेलो अर्थक्वेक आया है शेलो का मतलब ये सरफेस के बहुत पास है वैसे अर्थ में बहुत अर्थक्वेक्स आते रहते हैं बट अगर शेलो अर्थक्वेक है जहां से एनर्जी रिलीज हुई इट इज क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है सिक्स पॉइंट थ्री का यहाँ पर अर्थक्वेक आया तो ये यहाँ पे बताया है कॉन्टिनेंटल थ्योरी चल रहा है यूरेशिया प्लेट है उससे इंडियन अफ्रीकन प्लेट है पामीर नॉट है मल्टीपल मेन शॉक्स वगैरह भी आए सो दिस इज अर्थक्वेक यहाँ पे बात है पॉसिबल पाथवे फॉर लॉन्ग कोविड पैथोजेनेसिस अनकवर्ड तो लॉन्ग कोविड क्या है कोविड से पर्सन ठीक हो गए बट क्या हुआ कोविड का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिला ये काफी सारे लोगों में देखा था कि वो कोविड से इमीजिएटली ठीक हो गए बट उनमें जो कोविड के सिम्टम्स हैं माइल्ड फॉर्म में वो लाइक महीनों तक कंटिन्यू रहा है सिक्स मंथ वन ईयर टायर्डनेस लग रही है फटीग हो रहा है पेल्पिटेशन हो रहा है बॉडी एक हो रहा है डिसीजेस हो रही है ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है डायबिटीज हो रही है ऐसे बहुत सारे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमने कोविड के देखने को देखे हैं तो रिड्यूस्ड सेरोटोनिन लेवल्स एसोसिएटेड विद लॉन्ग कोविड ये सेरोटोनिन क्या होता है कैन यू आंसर ये सेरोटोनिन जो होता है ये लॉन्ग कोविड में आपको ये देखने को मिला है तो देखो सेरोटोनिन नहीं है तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती सेरोटोनिन लेवल से मेमोरी प्रॉब्लम्स होती है ब्रेन कंडीशन होता है हमें कंफ्यूजन होगा हिप्नोसिस हो जाता है इनेबिलिटी टू फोकस ऑन टास्क इन फटीग होता है ऑल द टाइम विद लॉन्ग कोविड रिड्यूस सेरोटोनिन लेवल से लॉन्ग कोविड में देखने को मिला इससे लाइक like, काफी बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाया था यहाँ पे ओके सो दिस अगेन यहां पे बताया है कोविड को लाइटली नहीं लेना है कोविड बहुत एक डिफिकल्ट टाइम था जिससे हमने अभी ओवरकम किया है सो दिस इज लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स अब यहां पर है वाई डिड सुप्रीम कोर्ट नॉट अलाउ सेम सेक्स मैरिज तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ये है कि राइट टू मैरिज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट राइट टू मैरिज जो पहले आर्टिकल ट्वेंटी वन में डिराइव्ड हम समझ रहे थे वो एक्चुअली नहीं है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ये फाइव जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्लियरली बताया और जो राइट टू मैरिज है दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट और जो सेम सेक्स मैरिज है ये भी डिमांड थी कि इसको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर लाया जाए और था फोर्टीन फिफ्टीन नाइनटीन टवेंटी फाइव बट सुप्रीम कोर्ट ने बताया दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है दिस इज द मैटर जो लेजिस्लेचर मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन के ऊपर होना चाहिए तो दिस इज द डिसीजन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देन दिस इज डज इंडिया नीड टू री लुक द डैम सेफ्टी एक्ट ये दो आर्टिकल बहुत अच्छे हैं डैम सेफ्टी और उसके बाद हम सिक्किम फ्लड इम्पैक्ट हाइडल प्रोजेक्ट देखेंगे इनको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो फ्रिक्वेंसी और स्केल ऑफ डिजास्टर सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़ा है अभी हिमाचल में भी डैम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था और फ्लड आए डैम बह गया था सिक्किम में भी ऐसा ही हुआ तो इंडिया में करीब छ हजार लार्ज डैम्स है एट्टी परसेंट ऑफ आर मोर देन ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड तो मतलब डैम का एजिंग हो रहा है डैम क्या होता है कि यहाँ पे आपने एक बैरियर लगा दिया ये पानी है दिस इज वॉटर ब्लू वॉटर और यहाँ पे आपने एक ऐसे बैरियर बना दिया है तो वॉटर यहाँ पे स्टोर होने लग गया और इधर ये वॉटर लेवल है तो दिस इज कॉल्ड डैम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर ऐसे मिट्टी जमती है गाद जमती है और ये जो डैम होता है ये शैलो भी होने लग जाता है यहाँ पे कई बार होल्स बन जाते हैं या फिर इसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो डैम सेफ्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है डैम सेफ्टी और ये डैम 25-25 साल पुराने हो गए हैं जैसे मुला पेरिया डैम हमेशा न्यूज में बना होता है केरला का मुला पेरिया डैम बिकॉज वो बहुत पुराना हो गया है तो एक न्यू डैम सेफ्टी एक्ट पास हुआ दो में और अभी अक्टूबर फोर को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड नॉर्थ सिक्किम में देखने को मिला ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड जी एल ओ एफ मतलब ये लेक बनी थी बर्फ मतलब ग्लेशियर के पिघलने से और इससे एक फ्लड आ गया था ये अभी साउथ में लोहनाक लिवर रिवर पे हुआ था लेक पे हुआ था नॉर्थ सिक्किम के साउथ लोहनाक रिवर पे लेक पे हुआ यहां पर एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बन रहा है तीसता थर्ड डैम ये चुंगतांग डैम भी है तो बिकॉज ऑफ दिस फ्लड ये डैम की सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई अब ऐसे एपिसोड्स बहुत फ्रिक्वेंट होने लग गए हैं तो डैम सेफ्टी बिल राज्यसभा में टेबल हुआ था इसमें था सर्वेलेंस नहीं है मेंटेनेंस नहीं है डैम फेल डैम फेल्योर अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रेस्पॅसिबिलिटी इसमें बताया नेशनल और स्टेट लेवल बॉडीज की इंश्योर करें राज्य भी और केंद्र भी नेशनल कमिटी बने डैम सेफ्टी को हम पैरामाउंट करें सेंट्रल वाटर कमीशन डैम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को देखे कमिटी बने डैम सेफ्टी का तो द आइडिया वॉज ये जो बिल राज्यसभा में आया था कि ओवरऑल हमारे डैम्स सब पुराने हो रहे इन डैम्स की सेफ्टी सिक्योरिटी पे हमें अच्छे एफर्ट्स डालने चाहिए अब राज्यों को क्या जरूरत है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेगुलर इंस्पेक्शंस इंस्पेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है इमरजेंसी एक्शन प्लान होना चाहिए कि बाय द वे और सारे जो कंटेजेंसी मेजर्स है उसको हम लाए इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ने भी पेपर बुलवाए अब क्या होता है स्टेट एट टाइम्स इस पे एक्शन नहीं लेते हैं स्टेट सेंटर दोनों तो इससे सच टाइप ऑफ डिजास्टर्स हो जाते हैं जैसे अभी यहाँ पे सिक्किम में देखने को मिले चैलेंजेस क्या है हम रिस्क बेस्ड डिसीजन मेकिंग करें और इंसेंटिवाइज करें ट्रांसपेरेंसी कई बार क्या होता है डैम में आपने अक्सर न्यूज में देखा होगा अचानक पानी छोड़ दिया उन्होंने तो जो नीचे का जो डूब वाला एरिया होता है वहां पे फ्लड हो जाता है कई बार हम देखते हैं टूरिस्ट वहां पर है उनका इग्नोरेंस भी होता है बट अचानक पानी आ जाता है तो जो टूरिस्ट है या फिर वहाँ पे जो डैम के जो लोअर पेन में जो पीपल है वो बह जाते हैं उसके साथ ये एक बहुत बड़ा अपने आप में इंफॉर्मेशन मिसकम्युनिकेशन होता है यहाँ पे तो डी एस ए ड नॉट प्रमोट रिस्क बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड फेल्स टू इंसेंटिवाइज ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है सो so इससे क्या होता है डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और नेचुरल डिजास्टर और एग्जर्बेट हो जाता है सेफ्टी पैरामाउंट है शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज हेजार्डज इवेंट्स का फोरकास्टिंग जरूरी होता है सिक्किम में जो इवेंट हुआ एक्सीडेंट हुआ ये अवॉइडेबल था हज़ार्ड प्रोफाइलिंग ज़रूरी है और ये एक्ट ऑफ हज़ार्ड रिस्क फ्लक्चुएट होता है सो वी नीड टू बी लाइक अप टू डेट पीरियोडिक रिव्यू ज़रूरी है मैपिंग प्रॉपर करें रूल्स को इम्प्लीमेंट करें एक वर्ड है स्पिल वे कैपेसिटी मतलब अगर पानी ज़्यादा भी आ गया है तो वो स्पिल होगा उसके लिए भी एक बफर हम इंश्योर कराएँ तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी जैसे ट्वेंटी वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में नॉन कॉम्पलाइंस पे एक्शन लिया है इस मैटर को बहुत सीरियसली लेना चाहिए अब सिमिलरली ये है सिक्किम फ्लड इम्पैक्ट हाइडल प्रोजेक्ट्स अभी एक ऐसा अभी एक कंसेंसस भी बन रहा है डिमांड भी आ रही है कि क्या ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये सेफ है हिमालय में हम काफी सारे हिमालयन स्टेट्स में बना रहे हैं बट सेफ्टी सिक्योरिटी क्या इनसे कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो हाउ मेनी डैम्स हैव बीन प्रपोज्ड इन सिक्किम व्हाई आर एक्टिविस्ट एंड साइंटिस्ट कॉलिंग फॉर अ रीथिंक ऑन द प्रपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट Will the government review its dependence on hydropower? What is glacial lake outburst flood? तो देखिए अभी जो फ्लड आया सिक्किम में यहाँ पे चुंगटोंग डैम जो था वो वॉश अवे हो गया इसके अलावा नेशनल हाईवे टेन भी वॉश अवे हो गया बहुत सारा लाइफ लॉस भी हुआ यहाँ पे और डिफिकल्टीज आई ये जो हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स थी साउथ लोहनाक और शाको ये दो लेक थी जहाँ पे अभी आउटबर्स देखा तो यहाँ जो भी डैम्स एंड फ्लड्स हैं हमें इन फ्यूचर क्या इन डैम्स को कंटिन्यू करना चाहिए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है इसका मतलब होता है जीएलओएफ का मतलब होता है सडन रिलीज ऑफ वाटर सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम अ लेक फेड बाय ग्लेशियर्स मेल्ट दैट हैज फॉर्म एट द साइड इन फ्रंट बीनीथ और ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लेशियर ग्लेशियर्स मतलब बर्फ जमी हुई है वो पिघलती है तो ग्लेशियर लेक बनती है अचानक बहुत पानी आ जाता है तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है और वो फ्लड होता है तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड तो सिक्किम में सैटेलाइट इमेजेस यही बता रही है कि एक लार्ज चंक ऑफ आइस ग्लेशियर का लेक पे गिरा मतलब एक लेक है लेक पे ऐसे लार्ज चंक ऑफ आइस गिरा तो उससे ऐसे पानी स्पिल हुआ और फिर वही आगे जाके फ्लडिंग करके आया तो इससे क्या हुआ जो मोराइन डैम है मोराइन क्या होता है जो डिपॉजिट्स होते हैं वो ऐसे मेड बना देते हैं मोराइन बना देते हैं बिकॉज अचानक पानी आउटबर्स्ट हुआ यहाँ पे तो वो मोराइन को तोड़ते हुए ऐसे स्प्रेड हो गया और उससे सीवियर फ्लैश फ्लड आया फ्लैश फ्लड आया डाउन स्ट्रीम इन दीस्ता पे तो ये क्या है जी एल ओ एफ एक लेक है लेक इज बाय ग्लेशियर्स सडन कोई पार्ट ऑफ आइस टूट के लेक पे गिरा तो पानी स्पिल हुआ मोराइंस उसको रोक के रख रही थी बट वो मोराइंस को भी ओवरथ्रो करते हुए तीसता के डाउन स्ट्रीम पे फ्लड लेके आया तो ये जो फ्लड्स होते हैं इनको प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है बट प्रिपरेशन हम कर सकते हैं आइडल पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे काफी सारे हैं तीस्ता पे जैसे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं द आइडियाज ऐसा नहीं होगा कि हम प्रोजेक्ट्स uh, को बंद कर देंगे बट हमें सेफ्टी मेजर्स और स्ट्रेंजेंट वे में लाना पड़ेगा बिटवीन ऑक्यूपेशन इन द डीप ब्लू सी दिस इज मेडिटेरेनियन एंड दिस इज वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप वेकअप कॉल है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी सी न्यूक्लियर वर्ड इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर न्यूक्लियर जो टेस्ट है एज अ वेपन पे चेक लगाना जरूरी है इसके लिए सीटीबीटी होता है सीटीबीटी है कॉम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी इंडिया ने साइन नहीं किया है सीटीबीटी तो द पॉइंट इज की जो न्यूक्लियर टेस्ट है न्यूक्लियर केवल पीसफुल यूजेज होना चाहिए वर्णा ओपन मूवी हमने देखा है सो दिस इज द न्यूक्लियर बॉम्ब्स जापान पे यूज हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किन दो सिटीज में हुए थे जापान के दो शहर हैं जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो दिस इज सी टी मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूक्लियर प्रोलिफोरेशन को हमें कम करना है अब पायोनियर हैं माइक्रो फाइनेंस के तो अभी नोबेल पीस प्राइस विनर है आप बांग्लादेश से हैं माइक्रो फाइनेंस क्या होता है हमें बिग टिकट लोन नहीं देने छोटे छोटे लोन देने माइक्रो फाइनेंस और उससे ऑनरप्रोनोरशिप या अदर जो लोन की रिक्वायरमेंट है मिडिल या लोअर इनकम ग्रुप में वो फुलफिल हो जाए तो ये ग्रामीण बैंक को नोबेल प्राइज मिला था 2006 में ग्रामीण बैंक और इनके एफर्ट्स थे तो इसमें आपका नाम है दिस इज मोहम्मद यूनिस आप बांग्लादेश से हैं और पायोनियर है माइक्रो फाइनेंस के आईसीआईसी बैंक का नेट इतना है छत्तीस प्रतिशत कोटक बैंक है यूएस का बजट डेफिजिट ट्वेंटी है आई डी बैंक देन दिस इज स्पोर्ट्स एंड वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में एंड दिस इज मेस्मराइजिंग नाइन नाइट्स तो इसमें दुर्गो पूजो दुर्गा पूजा जो कोलकाता की है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है तो अभी फेस्टिविटीज का टाइम है पांडाल्स है यहाँ पे आरती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये इंक्लूडेड सो सी दिस इज सो ब्यूटिफुल मुंडेन मैटर्स एंड दिस इज दिस इज सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल टाइम अभी क्विकली आंसर राइटिंग आज कर ले हम इसका ये कंप्लीट हो गया है आज हमें डिस्कस करना था ट्वेल्व थर्टीन गिव मी फाइव मोर मिनट्स एटींथ नाइनटीन्थ आज एटीनटी हमें डिस्कस करना है ना एटींथ नाइन गिव मी फाइव मोर मिनट्स इसको आज अभी कंप्लीट करते हैं ओके बाय ओल्डेस्ट सी हमें दो शॉर्ट नोट्स बनाने थे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए राइट एटलीस्ट फाइव टू टेन पेजेस ऑन डेली बेसिस जितना लिखोगे ना आप इम्प्रॉम टू लिखना सीख जाओगे कि कुछ भी सवाल दे दो हम उसका आंसर लिख लेंगे बना लेंगे अच्छा आंसर पाँच छः सात नंबर का ये लेवल लाना बहुत जरूरी है उसके लिए आपके पास बहुत सारे टैम्पलेट्स होने चाहिए टैंपलेट्स क्या होते हैं हम स्विगी जोमेटो में ऑर्डर करते हैं विद इन फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स वो ऑर्डर आ जाता है वो कैसे आता है कभी हमने सोचा है वो इसलिए आता है चीज बस पिज्जा ऑर्डर किया और वहां पर सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से रेडी है वो इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर नहीं करते उसको बस असेंबल करते हैं तो सिमिलरली अगर आप मेंस पे अच्छा करना चाहते हो तो आपके इनग्रेडियंट्स रेडी होने चाहिए इन दीज आर द ये पॉइंट्स है है कि आपके पास सब यहां पे रेडी अब जो भी सवाल पूछो हम उसको असेंबल करके तुरंत वहां पे आंसर बना देंगे ये लेवल आपका आएगा तो आपका स्पीड आएगा एफिशिएंसी आएगा और पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे वरना अभी मॉक टेस्ट लिया था तो हमें हकीकत पता चली थी ना ओपन बुक था फिर भी हम तीन घंटे में नहीं लिख पा रहे थे तो द पॉइंट इज हमें टिप्स में सब कॉन्शियसली ये सारी चीजें बैठाना बहुत जरूरी है यूएनएससी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया ये दो टॉपिक्स है इस पर शॉर्ट नोट्स बनाना है ये बहुत मल्टी यूटिलिटेरियन एवरी वन ऑफ यू एवरी वन ऑफ यू मैं रोज बोलता हूँ इस बात को सबको आंसर राइटिंग करना चाहिए अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो तो आप पिछड़ रहे हो मार्क माइ वर्ड्स स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स आपको जरूर से एटलीस्ट पांच छह पेजेस रोज लिखना चाहिए प्रसेंट मैटर आप छ के छह बार क्वालिफाई कर दो मेन्स बिना आंसर राइटिंग के क्वालिफाई नहीं होता है जल अब देखो ये कितना बढ़िया डायग्राम है आप ट्राई करके देख लो ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे एटलीस्ट दस पंद्रह डायग्राम बनाएंगे तब फिर हमें प्रोफिशंसी आएगी सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएगी तो दिस इज वेरी गुड काजल दिस इज सच अ गुड डायग्राम ये यहाँ पे रशिया चाइना ये सारी बातें बताई गुड फिर यूएनएससी अब देखो एक होता है टेक्स्ट लिखना दूसरा उसको डायग्राम के थ्रू बताना तो विजुअल ज्यादा बेहतरीन विजुअल जो होते हैं ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं तो दिस इज गुड वेरी नाइस एस सी बताया अबाउट देन फिर मेंबर्स देखो स्ट्रक्चरिंग वोटिंग पावर यूएनएससी इशूज क्या है एबसेंस पावर प्ले और वे फॉरवर्ड वंडरफुल शॉर्ट एंड कंसाइज वर्षा दिस इज गुड आपने भी बहुत अच्छे से यूएन जी ए का बताया सेशन बताया मेंबरशिप रिजोल्यूशन अब देखो वर्षा का जो टेक है उसमें इंडिया यूएनएससी को हाईलाइट किया है तो देखो हर स्टूडेंट का एक अलग दिमाग होता है एक अप्रोच होती है और सब सही है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें कुछ सही गलत नहीं होता है जितने भी वर्जन है सारे वर्जन करेक्ट है यहाँ देखो इंडिया एंड यू बताया गुड जी फिर इसके बाद आपने रिफॉर्म्स पे ज्यादा फोकस किया चैलेंजेस है गुड वेरी नाइस मंजू अब देखो मंजू की कॉपी आते ही नीट एंड क्लीन कितनी साफ सुथरी कॉपी लगती है ये सारा अच्छा सा स्पेसिंग अच्छा है राइटिंग अच्छा है पढ़ने में ईजी रहती है ये कॉपी तो दिस इज एवरीबडी वर्क ऑन दिस सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ऑर्गन है मेम्बर्स हैं देन वोटिंग पावर है इंडिया यू एन एस सी फाइव एस गुड देखो अब ये नई चीज बताई सम्मान संवाद सहयोग शांति और समृद्धि दिस इज रियली गुड तो वो जो एक्स्ट्रा हाफ मार्क्स मिलते हैं ना वो यहाँ से मिलते हैं एक्स्ट्रा हाफ या एक्स्ट्रा वन दिस एक्स्ट्रा थिंग से फिर इंडिया का विजन बताया तो ये आंसर भी इंडिया फोकस्ड है एक टिपिकल आंसर नहीं है कि वेरी गुड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक था वाइल्ड लाइफ कैसे डिफाइन है गुड फिर फोकस क्या है फिर आपके वेरियस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स देखो ये पूरे दस बारह प्रोजेक्ट्स है फिर स्नो लेपर्ड है डायग्राम वर्क सिंपल प्रोजेक्ट और इफेक्टिव प्रोजेक्ट एलिफेंट है एलिफेंट कॉरिडोर है राइनो दिस इज सो प्रोजेक्ट हंगुल भी है 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 देन क्रोकोडाइल लेसर कैट्स सी टर्टल वंडरफुल ये बहुत यूजफुल इसको बहुत अच्छे से आगे और एनरिच करना है हमें विश्व विजय देखो कितना बढ़िया आंसर लिख रहा है दिस इज वेरी गुड एस्टेब्लिश कब हुआ था जब हम फोटो खींच रहे हैं ना तो उसको थोड़ा सा और स्पेस लेके खींचे उससे क्या होगा ये क्रॉप नहीं होगा जैसे ये क्रॉप हो गया है थोड़ा ऊपर का This established in 1945. Good. Then, देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है Handwriting, good. To the point. फिर, बना दिया. सारे डेट्स लिखे हैं. वेरी नाइस अब इसमें इंडिया परस्पेक्टिव थोड़ा और एड करते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम को हाईलाइट किया है डब्लू सीसी बी गुड वाइल्ड लाइफ अंडर थ्रेट है अब यहाँ पर विश्वविजय ने ये सारे पॉइंट्स बताए पोचिंग क्या है टर्टल

ट दिस डायग्राम वेरी गुड आपने सारे यहाँ पे अच्छे से जितने भी इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन साइट है वो सारे बताए नैशनल पार्क फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो गई आपके चार पांच नंबर से एक्सरसाइज में बायोस्फेर रिजर्व भी हो गए फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव हो गए गुड देन एक्स सी टू में भी आपने बतायान एफ सी आई यूसी वेरी गुड ऑपरेशन फ्री फ्लाई फिर लीगल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वंडरफुल दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉपी वंडरफुलिस इज वेरी गुड डायग्राम शुरुआत में ही है पॉइंट होते हैं UNSC क्या है इश्यू क्या है इंडिया in अब देखो लुक एट दिस डायग्राम ये वर्ल्ड मैप देखिए दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड सो लाइक एक्ूरेट है ये डायग्राम दिस इज गुड आकटे क्वेश्चन तो मैपिंग यही होता है डोंट वेट फॉर द डे जब हम अलग से मैपिंग पढ़ेंगे मैपिंग इंटीग्रेट करो डेली बेसिस पे मैपिंग इसमें पढ़ना है अलग से नहीं होती यहीं पे रोज इसको ऐसे देखो आपका मैपिंग बहुत स्ट्रॉग स्यूट हो जाएगा दिस इज गुड वेरी गुड वेरी नाइस दिस इज फैंटेस्टिक इसके बाद आपने सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स बताए सारे फैक्ट्स लिख दिए यहाँ पे मिशन क्या है चैलेंजेस बताए वे फॉरवर्ड और इंडियन परस्पेक्टिव ये आखिरी पैराग्राफ बहुत अच्छा है देन ये नेक्स्ट है सौरभ सौरभ ने भी देखो कितना बढ़िया आंसर लिखा है यूएनएससी क्या होता है ये यूएनएससी होता है इसकी कंपोजिशन क्या है गुड देन प्रेसिडेंसी कैसे रोटेट होती है अभी इंडिया हाल ही में नॉन परमानेंट मेंबर था इश्यूज क्या है और वे फॉरवर्ड गुड इसमें थोड़ा और कंटेंट हम ऐड कर सकते हैं माधव इज ऑन फायर दिस इज रियली रियली गुड कितना बढ़िया आंसर है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया देखो इस एक एक्सरसाइज से एटलीस्ट एक सवाल डन जम्मू कश्मीर सारे यहाँ पे बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिए प्रोपोर्शनल मैप है अब इसमें बहुत टाइम एनर्जी लगा एंड द गुड थिंग इज ये चीज हमेशा हमेशा के लिए याद हो गई ये बहुत अच्छी चीज है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी बनाया गुड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है स्पीशीज है नेशनल पार्क हो गए वेरी नाइस वंडरफुल नेहा नेहा की कॉपी बहुत अच्छी होती है टू द पॉइंट सिंपल एंड डुएबल वाइल्ड लाइफ क्या है आर्टिकल्स भी बता दिए अब रिसेंट पे हमने ज्यादा फोकस किया है करंट अफेयर्स क्या है मास एजुकेशन एंड सारे पॉइंट्स देखो बहुत अच्छे हैं एवरीबडी नोट डाउन हैबिटेट मैनेजमेंट मास एजुकेशन अवेयरनेस प्रोमोलगेशन ऑफ लॉ कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया रिहेबिलिटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज फेंटेस्टिक कॉन्क्लूजन वेरी गुड हजिंदर दिस इज गुड यू एन के ऑर्गन दिसल इज गुड फिर मैं बताया अपने इंडिया एंड यू एन एस सी इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड गुड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी प्रॉब्लम टॉपिक वाइज बतायाडिंग गुड नंदिनी दिस इज गुड यू एन एस सी वेरी गुड यू एन एस सी क्या है देन इसके बाद हमने पैराग्राफ स्टाइल में लिखा है फिर फंक्शन एंड पॉवर्स वन टू थ्री मैंबर्स क्या है ये सारे एक मैप भी बना देते हैं इसमें फर्स्ट सेशन हुआ था हिस्टोरिकल ट्रेसेस और की पॉइंट्स ये बहुत अच्छा है इंडिया के फाइव एस अप्रोच एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटी सी दिस इज गुड हमने एक लाइन लिखा फिर वन टू थ्री सब हेडिंग्स इंडिया एंड यूएनएससी दिस इज गुड इंडिया का परस्पेक्टिव वंडरफुल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी की पॉइंट है ये सारे इंपॉर्टेंट है वाइल्ड कैट्स सारे एनिमल्स कंजर्वेशन ट्रैफिक गुड वेरी गुड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है

फिर यूएन काउंसिल फंक्शन वेरी गुड सिक्योरिटी मेंबर्स काउंसिल इसको देखो अब हम एक काम करते हैं बहुत ज्यादा ना पैराग्राफ बड़े नहीं रखे अगर हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स में लिखते हैं ना जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम ज्यादा कम एफर्ट्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं थिंक ज्यादा डायग्राम्स ऑफ विजल्स थोड़े और हम ज्यादा पॉइंट्स कर दें यहाँ पे देन दिस इज इंडिया इंड यू दिस इज गुड वेरी गुड नोट स्टाइल में है वेरी गुड नॉन परमानेंट अब जैसे ये लिख दिया आपने ये अलग से लिखा दिस इज वेरी वेरी नाइस एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटीज है और ये रिफॉर्म्स है फिर ये इंडिया विजन हेडिंग हेडिंग सब ऑब्स्टेकल्स वेरी वेरी गुड पॉइंट वंडरफुल शशि शशि बहुत अच्छे आंसर्स बना रही है दिस इज गुड यूएनएससी क्या है सिक्स प्रिंसिपल्स फाइव परमानेंट मेंबर्स इश्यूज क्या है रिप्रेजेंटेशन वीटो पावर जियोपॉलिटिकल पॉलिटिकल हर्डल्स गुड सोल्यूशन अब देखो ये अप्रोच कितना अच्छा है सोल्यूशन डेमोक्रेटाइज करो एक्सपैंड करो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इंडिया का रोल गुड और फिर करंट में जो न्यूज है वो भी बता दिया फैंटेस्टिक पवित्रा पवित्रा भी बहुत अच्छे आंसर लिखती है यूएनएससी क्या है सीधा फैक्ट्स बता दिया दिस इज यूएनएससी यस Yes. Then UNSC है इसका प्रोसेस सी कैसे एस्टेब्लिश हुआ वोटिंग का क्या है? हमने सारे यहाँ पे डिटेल्स लिख दिए नॉन परमानेंट परमानेंट ये पर एंड यू एन एस सी इशूज और वे फॉरवर्ड वेरी गुड पवित्रा पूजा दिस इज गुड वाइल्ड लाइफ क्या होता है वेरियस वाइल्ड लाइफ के अप्रोचेस क्या है मैप बता दिया इंटरनेशनल डे प्रोजेक्ट टाइगर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसको फर्दर और हमें एनरिच करना है प्रोजेक्ट खंगोल वेरी इंपॉर्टेंट क्रोकोडाइल भी प्रिलिम्स में पूछा है टर्टल्स भी है गुड लीगल फैंटेस्टिक वेरी गुड यू एन एस सी भी बहुत अच्छे से लिखा है आप बहुत अच्छा लिखते हो इसको आगे कॉन्टिन्यू करना है पूजा दिस इज वेरी वेरी नाइस इंडिया इंड दू एन एस सी फाइव एस एंड इशू वेरी गुड शशि दिस इज गुड दैन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है डिफरेंट ऑपरेशन वाइल्ड नेट वेरी गुड ये सारे पॉइंट हमें टिप्स पे याद होने चाहिए साइट्स है सी एम एस है सी बी डी है आई यू सी एन है इको सिस्टम है इलीगल ट्रेड देन अभी न्यूज में करंट अफेयर्स भी करेंट अफेयर वेरी गुड तो देखो ये कितना प्रोडक्टिव एक्सरसाइज है इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है बट सारा एसेंशियल चीज है जो इस एग्जाम को के लिए जरूरत है एग्जाम ओल्ड स्कूल एग्जाम है हमें जो जरूरत है वो पढ़ना चाहिए देखो बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं हम खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम डू वॉट इज नेसेसरी डू वॉट इज नेसेसरी नेसेसरी है कि आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ो और जो ट्राइड इन टेस्टेड मैथड है उसके हिसाब से पढ़ो आपको रोज राइटिंग जरूरी है सिलेबस पूरा कंप्लीट होना जरूरी है पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमी जरूरी है और बहुत सारे करंट अफेयर्स जो हम देख रहे हैं ना ये किसी काम के नहीं है हमको यूपीएससी सिलेबस के परस्पेक्टिव से उसे देखना चाहिए ओके सो द पॉइंट इज बी सेलेक्टिव क्या पढ़ना है वो जरूरी है पर उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है क्योंकि वी आर डीलिंग इन द करेंसी ऑफ टाइम अपने पास टाइम बहुत कम है एनर्जी कम है और चीजें बहुत सारी है सो यू हैव टू बी सेलेक्टिव एट टाइम्स एसेंशियल चीजें रखो सिलेबस फॉलो करो पी क्यू फॉलो करो और रोज पढ़ो रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग इस पर बहुत ध्यान दो और एक दिन में अट्ठारह घंटे पढ़ने का ट्राई नहीं करिए इसके बजाय अगर आप तीन तीन घंटे भी छह दिन पढ़ रहे हो ना तो वो ज्यादा यूजफुल है बजाय हम मैराथन या फिर हेरोइक एफर्ट्स डालें नो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ओके सो गो सिंपल गो इजी Old school is a good school, simple, consistency से पढ़ाई करना है, okay? और बर्डन पढ़ना जर्नी बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी आधे से ज्यादा लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं बर्न आउट हो जाता है उनका सो यू हैव टू लाइक प्रायोरिटाइज करो खुद को और सस्टेनेबल वे में पढ़ाई करो ओके सो अस एंड दिस क्लास नाउ अभी अब हम सी सेट का प्रॉबेबिलिटी करते हैं और ज्योमेट्री की क्लासेज आज से स्टार्ट होंगी ओके okay? और शाम को भी क्लास होगी जिसमें हम इंडियन पॉलिटी पार्लियामेंट को कंटिन्यू करेंगे ऑल राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ हैव अ नाइस डे एवरीवन हैव अ नाइस डे